9:45 AM। एक मर्तबा मैं इसी तरह से बैठा हुआ था, और पिछले साल की बात है, आसमान पर बहुत सारे बादल थे। तो इसी तरह सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ था, और बादल इतने नहीं थे बल्कि बहुत ज़्यादा थे। इतने थे कि जिस तरह से ये सफ़ेद बादलों के साथ में ये आसमान भी नज़र आ रहा है, आसमान भी नज़र नहीं आ रहा था, इस कदर बादलों का हजूम था। इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ कि ये जगह दिख रही है, और दिखाता हूँ। उस वक्त में बादलों के हजूम थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मैंने कैमरा पकड़ा इसी तरह जैसे मैं बैठा हूँ, और आसमान की तरफ करके कैमरा, और मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। और उसके बाद मैंने कहा, लेट सी व्हाट हैपेंस बाय अल्लाह, लेट सी व्हाट हैपेंस बाय अल्लाह। और उसके बाद क्या हुआ पता है? डुअल कैमरा मेरा 10 मिनट का होता है, सैमसंग S7 मोबाइल में डुअल कैमरा होता है, ठीक है? अगर ख़रीदना हो तो आप S7 ले सकते हो, मिल जाएगा इंटरनेट पर। डुअल कैमरे से फ़ायदा ही होता है कि आप एक वक्त में आगे फ्रंट एंड बैक दोनों व्यूज़ की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी दोनों ही चल रहे होते हैं, बस कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन करो। मैंने जब कहा लेट सी व्हाट हैपेंस बाय अल्लाह, आपको पता है विद इन टेन मिनट में, उसमें भी कुछ कुछ टाइम तो बातों में निकल गया था, उस विद इन 10 मिनट में अल्लाह ने आसमान के बादलों को बहुत हद तक साफ कर दिया, विद इन 10 मिनट। और वो था मायरेकल या फिर इत्तेफाक, सवाल ये है। अगर आपको देखनी हो वीडियो तो उस वीडियो का इवेंट मिलेगा द गेम ऑफ लेजेंड बाय अल्लाह, यूट्यूब चैनल का नाम है। अभी यहाँ पे सामने बादल भी हैं, पीछे सूरज भी है, ठीक है, आसमान भी है, ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस बाय अल्लाह, ठीक है, देखो क्या होता है, दोबारा क्या वैसा होता है ये नहीं होता, मतलब कैसा होना चाहिए कि बहुत सारे बादल साफ हो रहा है, सूरज की गर्मी बढ़ जाए, इतनी तेज़ हो जाए कि ये सब जो सुरमई कलर के बने हुए ये वाइट हो जाए, बल्कि सूख जाए, हट जाए सामने से, ये बात कर रहा हूँ मैं। और एक छोटे से एरिए का नहीं, आसमान पे जो नज़र आ रहे हैं दूर दूर तक बहुत सारे, पूरा एरिया गोलाए में और बहुत दूर दूर तक सफाया हो जाना उसमें मौजूद है। ऐसा किया अल्लाह ने, मैं बैठा हुआ था, उसने मेरे सामने मायरेकल डेमोन्स्ट्रेट किया, मैं देखता ही रह गया। मतलब उस वीडियो में दिखेगा कि मेरे एक्सप्रेशंस क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कैसे हैरान हुआ, क्योंकि वो शहनशाह है कायनात का, वो बस सिर्फ इशारा, सिर्फ हुक्म देता है, हो जाता है। उसने दिखाया, मेरे कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया, रियल फुटेज है, कोई कैमरे का इफेक्ट नहीं है, कैमरा एडिटिंग नहीं है, यानी कि कोई आफ्टर इफेक्ट या किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल प्योर मायरेकल। और अगर आप कमेंट पे बताएं, देखना चाहें तो मैं उस मायरेकल का वो जहाँ पर मौजूद है उस सीरीज़ में कुछ पार्ट में अपने इस चैनल पे भी इंशाल्लाह शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मुकम्मल देखने के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा, ताकि आप सीरीज़ के साथ देखें ना वो सीरीज़ किस इवेंट से रिलेटेड है। एक इवेंट हुआ था उस दौरान में अल्लाह ने मायरेकल डेमोन्स्ट्रेट किया था। अभी भी मैंने कैमरा ऑन किया हुआ है, सामने ही रखा हुआ है, आपके सामने ही जब से रिकॉर्डिंग ऑन की है, कितना मिनट है, 4 मिनट होने वाले हैं। और मैं यहाँ पे अभी काफ़ी देर से बैठा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही एक वीडियो रिकॉर्ड करके लेक्चर मैंने अपलोड किया 6-10 मिनट्स के हवाले से, जो 10 मिनट में आपकी 60 ईयर्स की ज़िंदगी के हवाले से उसमें कुछ अहम बातें की हैं मैंने, उसे देख लेना, ये उसके बाद ही है। तो डेफिनेटली जब से मैं बैठा हूँ तो अभी देख लो बादलों का क्या हाल है, तब से ही, अभी तो मैं गया भी नहीं नीचे। दिस इज सेकेंड वीडियो, और मैंने अभी भी यही कहा ना, लेट सी व्हाट हैपेंस बाय अल्लाह। क्या वैसा ही हो सकता है कुछ दोबारा से या नहीं? अगर इत्तेफाक था तो इत्तेफाक तो फिर कोई भी कर ले, कभी भी कर ले, कभी भी कैमरा ऑन कर ले 10 मिनट का डुअल कैमरा के साथ, और उसका वो माबूद जिसको वो पुकारे, उसका वो माबूद जिसको वो पुकारे, नाम लेकर रियल वीडियो फुटेज पर।
फिर वो मायकल डेमोस्ट्रेट करके पूरा कुछ सुखा के ख़त्म करके दिखाए, उसी स्पीड में, कम से कम जितनी स्पीड में अल्लाह ने दिखाया, आई समझ में? और अल्लाह का रिकॉर्ड तोड़ के दिखा दे कैसा। दुनिया में बहुत सारे पहलवान आते हैं, कोई रेसलिंग में, कोई क्रिकेट में, कोई गेमिंग में, चैंपियनशिप होती है, कंपटीशंस होते हैं, ग्लोबल लेवल तक में मुकाबले होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल रेसलिंग, इंटरनेशनल गेमिंग, है ना। गेमिंग में टेकिन के कंपटीशन होते हैं, डोटा के कंपटीशन होते हैं, नीड फॉर स्पीड के कंपटीशन होते हैं। अब सोचोगे यार ये क्या लेजेंड को गेमिंग का कैसे पता है? अरे तो लेजेंड गेमर ही तो था अल्लाह के फजल से, गेमिंग से ही तो एक्सपीरियंस लेता हुआ पहुँचा है, तो गेमर होता ही चैलेंजर है। सो अब उस गेमिंग की दुनिया के अंदर जो बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, गेमिंग में क्या कुछ नहीं होता, एक्शन एडवेंचर गेम खेले ना, सुपर हीरो कैसी कैसी पावरें होती हैं। सो भाई वहाँ से अपग्रेड करते होते 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 अल्लाह के फजल से लेजेंड ऑफ अल्लाह बन गया, अल्लाह ही के फजल से, और आ गया सामने मैदान में। किस लिए? ताकि दुनिया में अपने इंसान भाई बहनों की हेल्प करें, उन्हें बताया वाकई में सच्चा खुदा अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह ने उसको अजीबो गरीब मुशाहदात करवाया, अजीबो गरीब निशानियाँ दिखाई। बहुत सी ऐसी हैं जो कैमरों पर हैं ही नहीं, वो पर्सनल है, ठीक है। बहुत सी ऐसी हैं जो कैमरों पर रिकॉर्ड हुई हैं और पब्लिक में, क्योंकि मकसद यही है कि इंसान सोचें समझें कि किसवीं सदी में ही क्यों हुआ ये सब कुछ, कैमरों के ही सामने क्यों हुआ, क्योंकि बहुत से लोग ताने मारते थे। असल में मुसलमानों की भी बात कर देता हूँ, मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं रूहानियत नहीं होती, ये टोपी ड्रामा होता है, करामात नहीं होती, फला नहीं होता, ये नहीं होता, और आगे से ये भी कहते हैं कि कैमरों के दौर में मायरेकल्स नहीं होते। वो ऐसे बहुत से मुस्लिम मिलेंगे आपको, आपने बिलीव नहीं करना। क्यों? क्योंकि अब जो लेजेंड के ज़रिए अल्लाह ने जो कुछ दिखा दिया है, और लेजेंड के साथ जो कुछ वाकयात पेश आए हैं और इवेंट्स हुए हैं और जो निशानियाँ जाहिर हुई हैं 21वीं सदी में, वो सब प्रूफ है, प्रैक्टिकल प्रूफ के और सबूत के साथ कि नहीं, रूहानियत तो एग्जिस्ट करती है। रूहानियत सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि उस लेवल पर एग्जिस्ट करती है कि सूरज को मगरिब से निकाला जा सकता है अल्लाह के हुक्म से। ऐसे मुस्लिम्स भी इस ज़मीन पर मौजूद हैं, ऐसे भी हैं जो मुर्दे को ज़िंदा कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, आगे समझ में? अभी क्या टाइम है? सूरज मेरे आंखों पर कैमरे का, हाँ 7:30 मिनट होने वाले। नाउ इफ वी सो बताने का मकसद ये कि भाई या बहन, आप जो भी हो, मेरे इंसानी भाई बहन, गैर मुस्लिम, देखो अगर आपने अकल इस्तेमाल ना की तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का एक बंदा, शाह यकीक बाबा नाम है, चोहड़ जमाली गांव के अंदर, पाकिस्तान के सूबे सिंध के अंदर ठट्टे शहर में है, उनकी रूह है, 500 साल से लाइलाज मरीजों के इलाज में मेडिकल ऑपरेशन कर रही है, सर्जरियां कर रही है, बड़े बड़े मेडिकल डॉक्टर जिनको लाइलाज कहते हैं, वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम उनके मज़ार पर जाते हैं, उनकी रूह उनको ठीक कर रही है, और उनकी रूह कर रही है ये काम। इसका सबूत यही है कि जो काम उनके मज़ार पर हो रहा है वो काम दुनिया के बहुत सारे मुसलमानों की कब्रों पर भी नहीं हो रहा, और गैर मुस्लिमों की तो कब किसी किसी एक पे भी मुर्दे के पास से ऐसा नहीं हो रहा। तो शाह की बाबा तो शहीद है, मुस्लिम है, ज़िंदा नहीं है, वो फिज़िकली ज़िंदा नहीं है, रूहानी तौर पे ज़िंदा है, उनकी रूह कर रही है। अच्छा, इतनी देर जो बात हुई है, यहाँ पर कोई तब्दीली नोट की आपने? कितनी तब्दीली नोट की? मैंने तब्दीली नोट की है, अभी मैं यहाँ पे बहुत देर से हूँ, मुझे पता है आसमान पे कितने सुरमई रंग के बादल मौजूद थे, और अभी क्या तब्दीली इतनी देर में क्या कुछ हुई है, गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है यहाँ पर, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं ये नॉर्मल भी हो सकता है, ये तो आप कह सकते हैं ना, क्योंकि भाई कभी थोड़ा सा सूरज में तेज़ हो सकती है, कभी कम हो सकती है, चलें ठीक है, यहाँ तक लेते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये सब साफ क्यों नहीं हुआ? हुआ है, आया ना मज़े की बात? यही तो बात समझा रहा हूँ कि बादल मौजूद है, सूरज मौजूद है, आसमान के ऊपर मंजर मौजूद है, दूर दूर तक दिखा देता हूँ ना, वो देखो और वो भी देखो, लेकिन ये सब साफ नहीं हुआ हुआ, सब क्लियर नहीं हुआ हुआ, अल्लाह ने क्लियर किया था, आई समझ में? अल्लाह जो चाहता है वो करता है, जितना चाहता है वो करता है, और मेरे ख्याल से तो शायद यहाँ पे भी कुछ कर दिया, अगर कोई समझना चाहे, अगर आप समझना चाहो, मुझे तो समझ में आ गया कुछ। हाँ वो वाली चीज़ नहीं दिखाई, वो मायरेकल ही अलग है, तभी तो मायरेकल कह रहा हूँ, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था। अल्लाह हू अकबर।
अभी इसको 10 मिनट पूरा होने दो।